फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी अच्छी वाली रेमेडी लेकर आई हूँ। और आज लेकर आई हूँ मैं हनी की रेमेडी। जी हाँ, आप हनी से मतलब शहद से अपनी स्किन को कैसे सुंदर बना सकते हो, बहुत छोटे से आपके साथ दो टिप्स शेयर करूँगी फ्रेंड्स। अगर आपने ये दोनों टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिए ना, तो फ्रेंड्स आपकी स्किन में अगर कोई दाग धब्बे हैं ना, तो वो भी दूर होंगे, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपकी स्किन में चमक आएगी और आपका स्किन का कलर जो है फ्रेंड्स फेयर होगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं हूं देविंदर सल, आप सबका अपनी वीडियो चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल है ना उसे ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं अपने चैनल पर ढेर सारी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस वगैरह लाती रहती हूँ फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत मोटिवेट मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो चलिए बातें कम करते हैं, तो बढ़ते हैं हम सीधा रेमेडी की ओर। पहले आपको क्या करना है, अपनी स्किन को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच शहद का। जी हाँ, शहद जो होता है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है, हमारी स्किन में ब्लीच का काम करता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स। तो इसमें आपने 1 चम्मच हनी लिया और 1 चम्मच इसमें आपने कच्चा दूध डालना है। जी हाँ, कच्चा दूध जो होता है फ्रेंड्स, ये भी आपकी स्किन को एकदम क्लीन करता है। अगर आपके ओपन पोर्स हो रखे हैं ना, तो फ्रेंड्स उनको ये श्रिंक करेगा, उसकी जो गंदगी होती है ना, जो डस्ट अंदर चली जाती है, उनको बाहर निकाल के ये फेंक देता है। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप फ्रिज का ठंडा हुआ रखा दूध ले सकते हैं, नहीं तो आप कच्चा दूध इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक कॉटन लीजिए और उसको डिप करिए और अपने फेस से अच्छी तरीके से इसे क्लीन करिए अपने फेस को। ये आपके फेस की सारी डस्ट को दूर करेगा, ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा और आपके स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको भी कम करेगा। ये आप डेली कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको लेना है बनाना। जी हाँ, अगर आपके पास पका हुआ बनाना है तो चलेगा, कोई बात नहीं, आपने आधा बनाना लेना है और उसमें 1 चम्मच हनी डालना है और उसके साथ आपने 1 चम्मच उसमें नींबू का रस, यानी कि नींबू का जूस 1 चम्मच, बस उसके तीनों इंग्रेडिएंट्स ये मिलाने हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने फेस पर अप्लाई कर दीजिए। इसको कम से कम 10-15 मिनट्स आप अपने फेस पर लगा के रख सकते हैं। उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से अपने फेस को धो दीजिए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स और ये हनी आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स ये ख़त्म कर देता है। आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करिएगा और मुझे अपने लवली कमेंट देकर जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।